So hey guys, I'm Satish from issisclasses.in and welcome to this particular video. In this video, we will share one more story of a NEET qualified student. नाम है दत्तात्रेय बेमड़े जो कि महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं और इनकी हम सक्सेस स्टोरी आपको सुनाने वाले हैं इस पर्टिकुलर 2021 UG NEET के. सो आइए मिलते हैं उनसे. हाय दत्तात्रेय. थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी फॉर द इंटरव्यू. यस प्लीज गिव योर इंट्रो इन योर वर्ड्स. मेरा नाम दत्तात्रेय भेमड़े है. मुझे अभी नीट में 596 स्कोर आया है. मेरा जो प्रिपरेशन हुआ था नीट का वो दक्षिणा वैली पड़ोस पुणे से हुआ था और ये मेरा रिपीट था, सेकंड अटेम्प्ट था. फर्स्ट अटेम्प्ट में मुझे 513 आए थे. यस. सो इस ईयर आपके 596 जो कि बहुत ही बढ़िया स्कोर है. सो मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस फर्स्टली. और लास्ट ईयर का आपका स्कोर कितना रहा था फर्स्ट अटेम्प्ट का? फर्स्ट अटेम्प्ट में मुझे 513 आए थे. 513. ओके. सो बहुत कुछ इंक्रीमेंट है एक साल के अंदर. एक ड्रॉप लिया था सिर्फ और आपने. यस सर. सो ये आपने कैसे अचीव किया? सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि हाउ यू हैव अचीव दिस स्कोर इन ओनली वन ईयर. ज़्यादा मतलब चीज़ यही होती है कि कंसिस्टेंसी होनी चाहिए आपके अंदर पढ़ाई की तरफ. yes. पहले फर्स्ट ईयर में उतना ज़्यादा कंसिस्टेंट नहीं था मैं, उसकी वजह से स्कोर उतना ज़्यादा बढ़ नहीं पाया था. तो वही लास्ट ईयर जितने भी गलतियाँ थी उन सभी को गलतियों को कंसिडर करते हुए मतलब ज़्यादातर जो गलतियाँ जो है एलिमिनेट करने का ही मैं ट्राई करता था पूरा कि भाई लास्ट ईयर जितनी भी गलतियाँ वही इस साल ना हो. जैसे कि लास्ट ईयर मोबाइल बहुत ही ज़्यादा यूज़ हो गया था. यूज़ थोड़ी होगा फिर तो मिसयूज ही हो गया था. तो इस साल मतलब मोबाइल तो अवॉइड ही हो गया था क्योंकि ये दक्षिणा में थे तो वहाँ प्रिपरेशन में मोबाइल तो होती ही नहीं साथ में. तो वो तो एक अच्छा हो गया. और ऊपर से वहाँ पूरा टाइम टेबल के साथ टाइम टेबल भी बना लिया था कि कब पढ़ना है क्या पढ़ना है, इसलिए इस साल अच्छे से स्टडी हो गई. ओके. सो पिछले अटेम्प्ट में मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में आपको 513 आए थे और आप बोल रहे इस पर्टिकुलर डिस्ट्रैक्शन आपने जो भी ख़त्म किए उसके बाद आपका ये पर्टिकुलर स्कोर आया जो कि है 596 जो कि बहुत बढ़िया स्कोर है. 600 को एकदम से रीच कर रहे हैं. सो मैं जानना चाहता हूँ आपका रैंक कितना है ऑल ओवर इंडिया का? ऑल ओवर इंडिया रैंक मेरा 20,544. 25,000. प्लीज रिपीट इट. 20,544. ओके. 20,000 है ऑल ओवर इंडिया जो कि बहुत ही बढ़िया है. सो आपका ड्रीम कॉलेज है इस मार्क पर मिल जाएगा क्या? ड्रीम कॉलेज ट्राई तो पूरा करेंगे. मुझे मुंबई में जेजे में जाना था, जेजे के लिए मैं ट्राई कर रहा था. तो ट्राई करेंगे तो काउंसलिंग पे अगर मिल जाएगा. यस 100% जो कि आपका स्कोर बहुत बढ़िया है. आपके जो भी रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग आपको मिलेगा या फिर आपके स्कोर पर मिलेगा? दोनों तरफ से हम ट्राई करेंगे. लास्ट ईयर के एक मतलब उसके अनुसार तो शायद ऑल इंडिया रैंक के अनुसार ही मुझे मिल रहा है शायद. मतलब एक जगह देखा था मैंने तो वहाँ पे बैठ रहा था. यस बहुत बढ़िया. यस राइट. सो गाइज मैं बताना चाहूँगा कि ये इतना बढ़िया स्कोर है. सो इस वीडियो को तो सबसे पहले लाइक बनता है. आगे की स्टोरी और आगे जितने भी स्टेप्स एंड ट्रिक्स है टेक्निक्स है सीक्रेट्स है जो कि हम दत्तात्रेय से जानने वाले हैं. सिर्फ एक साल के अंदर इतना बड़ा स्कोर कैसे कर लिया है वो तो आपके साथ शेयर करेंगे ही हम. लेकिन इस वीडियो को आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले लाइक कर लीजिए. सो आगे मैं जानना चाहता हूँ कि आपका टाइम मैनेजमेंट कैसा हुआ था? जैसे कि आपने स्कोर तो बताया है और प्रिपरेशन एक साल जो कि बताया दक्षिणा फाउंडेशन से हुआ था, लेकिन आपने टाइम मैनेजमेंट कैसे किया, एक साल के अंदर कैसे अचीव किया है? टाइम मैनेजमेंट बस मॉर्निंग में हमारी पीटी हुआ करती थी 5 से 6 बजे तक. फिर 6 बजे से 6:30 बजे तक हम फ्रेश हुआ करते थे. 6:30 से 7 बजे तक ब्रेकफास्ट हो जाता था और मॉर्निंग में 7 बजे से ही हमारी क्लासेस शुरू हो जाती थी. अप्रॉक्सीमेटली सुबह सात या सात पंद्रह से क्लासेस शुरू हो जाती थी. तो वो क्लासेस तो चलती थी पूरी 1 बजे तक क्लासेस हो गई मॉर्निंग की. फिर एक के बाद फिर दोपहर के खाने के लिए ब्रेक मिल जाता था. तो खाना खाने के बाद थोड़ा और 1 घंटा रेस्ट करने के लिए टाइम मिल जाता था. तो उस समय पर भी मतलब हम ऐसा रेस्ट वेस्ट कुछ उतना ध्यान नहीं देते थे कि बस खाना खाने के बाद सीधा क्लास में जाकर स्टडी करते बैठते थे ताकि और ज़्यादा टाइम यूटिलाइज हो जाए. फिर 3 बजे से और क्लासेस ही चालू हो जाती थी. फिर 3 बजे से रात वो फिर चलती थी रात में 7 बजे तक. तो सारा रात को कितने बजे तक आप स्टडी करते थे? रात में 7 बजे तक क्लासेस हो गई. क्लासेस के बाद फिर खाना खा के आते थे फिर स्टडी करते बैठते थे जितना मतलब 12-1 बजे तक.
जब तक नींद आया। 12-1 बजे तक। सो ओवरऑल कितने घंटे पढ़ते थे आप 24 आवर में से? ओवरऑल अगर देखा जाए तो वैसे तो 7 से 7 तक तो क्लासेस ही होती थी, पर उसके अंदर भी हम काफ़ी कभी कभी टीचर्स पढ़ाते नहीं है तो सेल्फ स्टडी के लिए टाइम मिल जाता था क्लास में भी, वहाँ पे 2-3 घंटे वो हो गए, और बाकी का रात में 8 बजे से भी ले लिया तो 8 बजे से 12 बजे तक, तो वो 4-5 घंटे। पर लास्ट में मतलब ये तो स्टार्टिंग का पैटर्न था जब हमारा सिलेबस कवर नहीं हुआ था, ये तब का पैटर्न था। और जब हमारा एक बार सिलेबस कवर हो गया था तो क्लासेस तो टीचिंग तो पूरी ऑफ ही हो जाती है, उसके अंदर पूरी सेल्फ स्टडी होती है, तो हम पूरा सुबह 7 बजे तक वही जो टाइम टेबल बताया उसमें पूरा पढ़ते ही रहते थे, सुबह 7 से 7 पढ़ते रहते थे टीचर के प्रेजेंस में, उस समय टीचर होता था हमारे सामने, और बाकी का खाना खाने के बाद 8 से 12 बिना टीचर के प्रेजेंस में पढ़ते रहते, मतलब पूरा दिन ही पढ़ते रहते थे बाकी कुछ था। तो भी अगर एक कंप्लीट राउंड फिगर बताओ तो कितने घंटे होते हैं? कितने घंटे तो वैसे तो 7 से 7 अगर ले लिए तो वो 12 घंटे हो गए, उसमें से 2-3 घंटे हटा दो 10 घंटे, और रात में 3-4 घंटे पढ़ लेते थे तो 12-13 घंटे तो हो ही जाता, 14-12-13 या फिर 14 घंटे तक हो जाता था। सो गाइस, मैं ये तीसरा इंटरव्यू हमारा, और इसमें हम यहाँ पर करेक्टली बता पा रहे हैं कि 10 घंटे से ज़्यादा ही आपको पढ़ना पड़ेगा एक साल के अंदर भी आपको क्रैक करना है। तो यहाँ पर हमें मिलना है, दत्तात्रेय से मिल रहा है कि 12 से 13 घंटे एक एवरेज उन्होंने पढ़ाई की है एक साल, जो कि ड्रॉप लिया था उस साल पर। वैसे तो 12th के बाद हमें जल्दी से एग्ज़ाम होती तो उस टाइम पर इतना नहीं कर पाते, लेकिन ड्रॉप लेने के बाद तो हम कर पाते हैं। सो ये सिंगल आपने ड्रॉप लिया था, लेकिन अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आना है तो क्या कर सकते हैं स्टूडेंट? सर अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हमारा, अगर सिलेक्शन आपको चाहते हैं कि फर्स्ट अटेम्प्ट में हमारा हो जाए, तो आपको बस कंसिस्टेंसी रखनी है पूरी, और दिन में जो भी पढ़ाया जा रहा है आज की जो टीचिंग है उसको आज ही ख़त्म कर डालो, मतलब तो आज जो पढ़ाया उसके बारे में एक भी कॉन्सेप्ट तुम्हारा ढीला नहीं होना चाहिए, वो कॉन्सेप्ट पूरे एकदम पक्के हो जाने चाहिए, क्योंकि अगर वो कॉन्सेप्ट आप कल के लिए या फिर परसों के लिए छोड़ते जाओगे तो इसे मतलब बहुत सारा पिटारा बढ़ जाएगा, फिर वो कवर नहीं हो पाएगा। गलतियाँ यही होती है कि हम लोग मतलब छोड़ देते हैं कि यार आज तो क्लास में तो समझ में आ जाता है, इजी लगता है कि यार ये तो इजी है, बाद में कर लेंगे कभी भी 1-2 घंटे बैठ के, पर अगर आज अगर जाके करेंगे तो 1-2 घंटे में हो जाएगा, अगर बाद में जाके करेंगे तो उसी के लिए 10 घंटे में जा सकते हैं, बात ऐसी। यस राइट एग्जैक्टली। सो यहाँ पर बहुत बड़ा टिप है स्टडी के लिए, जो कि है आज अगर पढ़ते हैं तो पर्टिकुलरली उसी दिन उसको एकदम चबा जाना है, जैसे कि मैं बोलूँ अपने वर्ड में तो। सो उस दिन अगर पर्टिकुलरली स्टडी ख़त्म कर देते हैं, जो भी आपकी क्वालिटी है वो अगर रखते हैं, तो ईच एंड एवरीथिंग आपका कवर हो जाएगा विद इन अ टाइम, मतलब ज़्यादा आपको लोड नहीं होगा बाद में। सो ये टिप आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है नीट एंड एवरीथिंग प्रिपरेशन के लिए। नेक्स्ट मैं जानना चाहूँगा कि आपको कैसा लगा जब आपका ये स्कोर इतना एक्सपेक्टेड था और वही आ गया था, तो 596? हाँ सर, काफ़ी खुशी हुई थी स्कोर देख के, कि मतलब पूरा 2-3 साल से पढ़ रहे थे, बस पढ़ते ही रहते थे, और वो तो हमारा टाइम तो मतलब सबसे ख़राब टाइम था कोरोना वाला, जिसके अंदर मतलब इतनी डिस्टर्बेंस ये सारी चीज़ें हुई थी। पहले तो फर्स्ट अटेम्प्ट में तो लास्ट में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो गई थी कोरोना की वजह से, फिर थैंक्स टू दक्षिणा जिसकी वजह से मुझे अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं मतलब पूरा अच्छे से पढ़ पाऊँ, क्योंकि अगर घर पे अगर मैं होता तो इतना नहीं हो पाता, घर पे बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन होते हैं, हम पूरा फोकस नहीं कर पाते। वहाँ पे मतलब दक्षिणा में पूरे बच्चे साथ थे तो माहौल भी बहुत अच्छा मिल रहा था, वहाँ पे पूरा एनवायरनमेंट बना रहता है पढ़ाई का, और कोई मतलब दूसरा ख्याल आता ही नहीं वहाँ पे, तो मुझे तो लगता है कि दक्षिणा मेरे साथ था इसी वजह से मैं पूरा कर पाया, इतना स्कोर अचीव कर पाया, घर पर तो शायद नहीं हो पाता। यस, बहुत बड़ा आपका योगदान दक्षिणा फाउंडेशन का है, जो कि आपको एकदम बोलो कि मिलिट्री जैसा आपको जो भी गाइडेंस दिया है और वो आपके साथ खड़े रहे हैं एकदम से, मतलब दूसरा ख्याल मन में भी नहीं है, कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ मतलब फालतू की एक्टिविटीज़ नहीं है जो कि आपका डिस्ट्रैक्शन हो। वैसे आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? महाराष्ट्र तो है, लेकिन एग्जैक्टली कहाँ से बिलोंग करते हैं? आपका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है जरा बताइए। मैं महाराष्ट्र में लातूर जिले के तालुका अहमदपुर उगिलेवाड़ी, एक छोटा सा गाँव है हमारा, उगिलेवाड़ी से बिलोंग करता हूँ। हम फैमिली बैकग्राउंड अगर बताना है तो बस हम मेरे पापा जो है वो फार्मर है, मम्मी भी मदर भी फार्मर ही, मतलब दोनों खेत में काम करते हैं, बाकी बस। ओके, सो फैमिली बैकग्राउंड आपका जो कि मीडियम है, मिडिल फैमिली है, और लातूर से बिलोंग करते हैं आप, जो कि महाराष्ट्र का डिस्ट्रिक्ट है, छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है, मराठवाड़ा में आता है। यस,
सो कोचिंग प्रोग्राम के वजह से आपके आपने इतना बड़ा अचीव कर लिया है, वो भी एक साल के अंदर। लेकिन और जैसे कंसिस्टेंसी आपने बताया या फिर हार्डवर्क है, लेकिन और कुछ क्वालिटी है क्या जो कि नीट एस्पिरेंट्स को होनी ही चाहिए, कंपलसरी होनी चाहिए? और क्वालिटी बस यही होनी चाहिए कि भाई आप मतलब अपने आप को पूरा उसी चीज़ में झोंक देना चाहिए कि मतलब आपके दिमाग में अच्छा और कोई चीज़ होनी ही नहीं चाहिए कि आपके दिमाग में बस यही होना चाहिए कि यार हमें जो है नीट एग्ज़ाम क्लियर करना ही है, पहले अटेम्प्ट में ही करना है। मतलब बहुत सारे बच्चे यही सोचते हैं कि यार कोई बात नहीं, रिपीट तो कोई भी कर ही लेता है, एक रिपीट तो लगता ही है यार, फर्स्ट अटेम्प्ट में थोड़ी होता है। तो ये सारी चीज़ें नहीं होना चाहिए, पूरा मतलब आपको पूरा उसी तरह में पूरा नीट के लिए आपको समर्पित कर देना चाहिए कि मेरे जो 2 साल है 11th 12th का जो प्रिपरेशन है बस नीट के लिए ही है, मेरे खुद के एंजॉयमेंट के लिए कुछ भी नहीं है इसके अंदर समय। और जब भी आप टाइम थोड़ा भी वेस्ट करते तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि ये समय मेरा नहीं है, इस समय पूरा पूरा पढ़ाई के लिए देना है मुझे। इंजॉयमेंट आप एक बार सेलेक्ट होने के बाद कर सकते हो, आपके पास बाद में बहुत सारा समय है, बाद में फैमिली सपोर्ट भी मिलता है, फैमिली भी कुछ नहीं, घर वाले भी कुछ नहीं बोलते एक बार सेलेक्ट होने के बाद, जैसा कि आजकल मेरे साथ ही चल रहा है। तो बस वही कहना चाहता हूँ कि प्रिपरेशन के समय में पूरा एकदम झोंक दीजिए अपने आप को, बाकी किसी भी चीज़ के बारे में मत सोचिए, बस तो इसी साल कर जाना है, ये अगर आप ठान लीजिए तो फर्स्ट अटेम्प्ट में भी हो जाएगा पक्का। सो सबसे बड़ी क्वालिटी है कि आपको फोकस करना है, उसी कंफर्ट जोन में जीना है, जो कि आपके सामने सिर्फ एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि नीट एग्ज़ाम क्रैक करना है। लेकिन ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट है भी, वो सिर्फ देते हैं, मतलब उनको लगता है कि जस्ट टेस्ट लेना है क्या, जैसे कि बोलते हैं कि हाँ इस साल देख लेंगे, हुआ तो हुआ नहीं तो नहीं हुआ। लेकिन इस तरह की अगर मेंटालिटी आप रखते हैं तो आपका कभी भी नहीं हो सकता। ये दत्तात्रेय से हमें सीखने को मिल रहा है, जो कि आपको कंप्लीटली उस चीज़ में जीना है, वही लाइव और वही कंफर्ट जोन बनाना है आपका, और तब जाकर आप कुछ ना कुछ कर पाएंगे। सो बेस्ट एक्सप्लेनेशन फॉर दीज क्वालिटीज। नेक्स्ट मैं बताना चाहूंगा कि एवरेज स्टूडेंट नीट क्रैक कर सकता है क्या, क्या आपका राय है इस पर? यस सर, एवरेज स्टूडेंट भी है तो नीट को क्रैक कर सकता है ऐसा, मतलब नीट के लिए आपको बहुत ही ज़्यादा एक्सलेंट होना चाहिए, ब्रिलियंट होना चाहिए या फिर अपने स्कूल का टॉपर होना चाहिए, ऐसे कोई ज़रूरत है नहीं। क्योंकि तो उसके अंदर बायोलॉजी के, खास करके बायोलॉजी के 50% पोर्शन दिया जाता है 360 मार्क का। तो उसको अगर पोर्शन का एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू अगर देखेंगे तो पूरा का पूरा एनसीईआरटी से लाइन टू लाइन क्वेश्चन बन रहे हैं, एनसीईआरटी के बाहर के क्वेश्चन मतलब निगलिजिबल आ रहे हैं, एक आध दो ही ऐसे आ रहे हैं जिसको हम अगर छोड़ भी देते हैं तो तुम 360 आउट ऑफ 360 स्कोर कर सकते हो, क्योंकि अभी हमें ऑप्शन भी आ गए क्वेश्चन के अंदर, तो उसके अंदर वो एक्स्ट्रा आ रहे तो उसे छोड़ दो तुम। पर अगर सिर्फ एनसीईआरटी भी अगर 2 साल के लिए तुम अगर पूरी अच्छे से पढ़ लो, अच्छे से उस एनसीईआरटी को याद कर लो, मतलब हमारे 10th तक तो यही ये आदत होती है कि यार रट लो रट लो रट लो, अगर उसी तरह से तुम एनसीईआरटी भी मतलब रटने ऐसा नहीं बोल रहे कि पूरा रट लो, उसको अच्छे से समझ के अगर पूरा लाइन टू लाइन आपने पढ़ रखा है काफ़ी बार, तो मुझे नहीं लगता कि बायोलॉजी में आपका 340 के नीचे स्कोर जाएगा, क्योंकि 340 या 350 मार्क का पूरा एनसीईआरटी जैसे कतें सब पूछ लेते हो लोग, तो ये तो मार्क्स यहाँ पर बन गया आपने। और केमिस्ट्री के लिए भी ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक की बात करेंगे तो पूरा एनसीईआरटी से ही आता है, उसके अंदर भी आप ऑर्गेनिक की पूरी उसके अंदर भी रिएक्शन जो है उसको याद कर लो सारी सारी रिएक्शन में, मतलब कभी भी ये लोग मैकेनिज्म मैकेनिज्म कुछ नहीं पूछते, ऐसा डायरेक्ट रिएक्शन में प्रोडक्ट क्या बन रहा है वही पता होगा तो काफ़ी मतलब फायदेमंद हो जाता है, वही क्वेश्चन सीधा आ जाता है। ऑर्गेनिक हो गया, इनऑर्गेनिक में तो सीधा एनसीईआरटी की पूछ लेते कि ये चीज़ों के बारे में बताओ, एनसीईआरटी पूरी याद कर लो उसके लिए। और बाकी बचा फिजिकल, जिसके लिए जिसके अंदर आपको मतलब थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा वहाँ पे फार्मूला वार्मूला यूज़ होंगे, फिजिकल और फिजिक्स थोड़ा मतलब मेरे से, तो वहाँ पे थोड़ा सा दिमाग आपको मतलब असली मेहनत तो वहीं पे आपको करनी पड़ेगी, वहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा मेहनत लगानी पड़ेगी, वहाँ पे आप मतलब मेहनत लगाते रहिए, उसके अंदर आपको अगर 120-130 भी आ जा रहे हैं फिजिक्स के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर भी और अच्छे से 130-140 अगर आ रहे हैं तो काफ़ी मतलब अच्छा स्कोर जाएगा, 600+ ही चला जाएगा। ओके, सो एक एवरेज स्टूडेंट भी कर सकता है, बेशक कर सकता है, लेकिन आपको सिर्फ 11th एंड 12th, जो कि सिलेबस के बाहर तो नहीं है, एनसीईआरटी सिलेबस के बाहर, किसी भी स्टेट बोर्ड के हो या फिर किसी भी बोर्ड के हो, अदर जो भी है, तो आपको एनसीईआरटी पर फोकस करना है, लाइन टू लाइन पढ़ना है और भी मल्टीपल टाइम पढ़ना है, तब जाकर आपको हो पाएगा। एवरेज स्टूडेंट भी कर सकता है, इसके इस पर्टिकुलर एक्सप्लेनेशन से हमें मिल रहा है। सो एक साल के अंदर जो आपने इतना स्कोर इंक्रीज़ किया है, लेकिन मैंने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं कि उनका स्कोर इंक्रीज़ होता ही नहीं, कितने भी चाहे वो ड्रॉप ले रहे, 2 ले रहे 3 ले रहे, लेकिन क्यों नहीं हो पाता उनको, सिर्फ 10 मार्क 20 मार्क या फिर 5-6 मार्क ही बढ़ पाते हैं, ऐसा क्यों होता है? पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि अगर सिर्फ 10 मार्क का या फिर 5 मार्क का इंक्रीमेंट आ रहा है तो मुझे तो नहीं लगता कि उन लोगों ने रिपीट में अच्छे से मेहनत की है, क्योंकि अगर आप पूरा साल एकदम उसी के पीछे लग जाओ नीट के पीछे कि नहीं इस साल निकालना ही है,
और पूरी ईमानदारी से अगर आप मेहनत करो, यानी ईमानदारी से अगर आप पढ़ाई करो, तो पक्का आपका स्कोर 600+ तो चाहिए जाएगा ही जाएगा, मुझे तो ऐसा ही लगता है। अच्छा क्योंकि अगर बायोलॉजी में आप अच्छे से पढ़ रहे हो तो 300 स्कोर तो आना ही है, 300+। तो बायोलॉजी में तो अच्छा इंक्रीमेंट आनी ही आनी है, लास्ट ईयर जितने गिरे तो उतने सोचे उससे तो ज़्यादा ही आने इस साल, क्योंकि एक साल और ज़्यादा रट रहे हो आप उसको, और ज़्यादा याद कर रहे हो बायोलॉजी को। अगर 5 अगर 10 मार्क बढ़ रहे तो मुझे नहीं लगता कि वो लोग मतलब अच्छे से मेहनत कर रहे हैं, ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं, तो बस नहीं मेहनत अपने आप को कहते जा रहे हैं कि यार बस मैं कर रहा हूँ, नहीं हो रहा है, कर रहा हूँ, नहीं हो रहा। पर उनको भी पता होता है कहीं पे कि नहीं यार अपनी गलती है, अपन बस लोगों को यस कह रहे हैं यस कि यार स्कोर इंप्रूव नहीं हो रहा, पर वो लोग ईमानदारी से पढ़ाई नहीं कर रहे। तो उसे बस यही कहना चाहूँगा कि ईमानदारी से बस 1 साल दे दीजिए नीट को, आपका पूरा ज़िंदगी के हाँ लिए भला हो जाएगा। पूरा एक बार यस सेलेक्ट यस होने के यस बाद फिर तो क्या ही है। सो मैं उन स्टूडेंट को बोलना चाहूँगा, ये जो भी आप वीडियोस देख रहे हैं, अगर आपने अटेम्प्ट किया है, एक बार किया, दो बार किया, 3 बार भी किया है, लेकिन आपको उम्मीद नहीं हारना है। सिर्फ आप अपने अंदर परख लीजिए कि हाँ मैंने ईमानदारी से प्रिपरेशन किया है या फिर नहीं, या फिर सिर्फ हम कर रहे हैं या फिर करने वाले हैं या फिर होगा तो होगा नहीं तो नहीं, ऐसा मान के मत चलिए। ईमानदारी से पढ़ाई कीजिए, सिर्फ 1 साल दीजिए, क्योंकि 1 साल करने में कुछ नहीं जाता है, लेकिन आप मल्टीपल ड्रॉप्स ले रहे, कुछ भी इंक्रीमेंट नहीं दे रहे, तो ये तो गलत है ही। सो नेक्स्ट मैं क्वेश्चंस आपको एक बोलना चाहूँगा कि डिफ़िकल्टी लेवल आपके अकॉर्डिंग क्या था। बहुत सारे स्टूडेंट से मैंने सुना है कि फिजिक्स पर्टिकुलरली, तो आपके अकॉर्डिंग क्या है फिजिक्स के मामले में? हाँ सर, मतलब फिजिक्स थोड़ा डिफिकल्टी लेवल तो था ही, और ऊपर से थोड़ा मतलब क्वेश्चंस लेंदी थे, जिस टाइप के क्वेश्चन नीट में नहीं पूछे जाते। नीट में मतलब ऐसे क्वेश्चंस होंगे, टाइम को कंसिडर करके 45 क्वेश्चंस है तो 1 घंटे के अंदर ख़त्म हो जाए, इस टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं। पर इस बार थोड़ा सा मतलब क्वेश्चन लेंदी हो गए थे, और ऊपर से हमें चॉइस भी आ गई थी, तो हम लोग क्या करते हैं थोड़ा सा एक क्वेश्चन पहला देख लेते हैं, फिर थोड़ा थोड़ा भी कुछ डाउट आ गया तो हम लेते हैं, सोचते हैं यार नहीं यार थोड़ा सेकंड वाला ट्राई कर लेते हैं, पहले वाला थोड़ा सा आता भी होगा तो हम आगे चले जाते हैं, क्या पता सेकंड वाला और ज़्यादा ईजी हो, तो इसमें भी थोड़ा और ज़्यादा टाइम निकल जाता है। तो डिफिकल्टी लेवल बस वही, मेरे लिए तो वही डिफिकल्ट हो गया था कि टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाया था एग्ज़ाम के अंदर अच्छे से। अच्छा तो टाइम मैनेजमेंट अच्छे से नहीं होगा तो वही लास्ट में, फिर लास्ट लास्ट में टाइम देखते हैं तो स्ट्रेस आने लगता है कि यार टाइम ही नहीं है, टाइम ही नहीं है। फिर तो कोई भी क्वेश्चन उठा लो ऐसा लगता है कि यार सवाल ही नहीं होगा, अभी तो टाइम ही नहीं है, खत्म ही हो गया टाइम। तो इसी वजह से अच्छा फिजिक्स थोड़ी ख़राब हो गई थी मेरी, फिजिक्स में उतना अच्छा स्कोर नहीं आता। तो आपका बेस्ट सब्जेक्ट कौन सा है? बेस्ट सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू द मार्क्स अगर देखेंगे तो बेस्ट सब्जेक्ट मेरा बायोलॉजी ही गया है। बायोलॉजी में फिर अच्छा मुझे 360 में से 350 मार्क्स आए हैं। 350 मार्क्स है, यानी कि सिर्फ 2 आपके रॉन्ग हो गए हैं। हाँ यस सर। सो बहुत बढ़िया स्कोर है बायोलॉजी का, अगर देखिए जिसको 50% वेटेज है, और बायोलॉजी पर ही सब कुछ डिपेंड है। अगर MBBS भी करना है आपको, कुछ भी करना है, कितनी बड़ी मास्टर डिग्री लेना है, तो बायोलॉजी आपका चाहिए चाहिए, बहुत ही स्ट्रांग चाहिए। सिर्फ 2 क्वेश्चन गलत हो गए हैं, 350 स्कोर आया है, जो कि 2 नेगेटिव मार्क्स हो गए बस। सो बहुत बढ़िया है। फिजिक्स में आप बता सकते कितने आए थे आपके परसेंटाइल है? वैसे तो आपने कैसे कैलकुलेट किया कितने आए थे? परसेंटाइल के अकॉर्डिंग तो मुझे फिजिक्स में परसेंटाइल ज़्यादा आया है केमिस्ट्री से, अच्छा पर मार्क्स फिजिक्स के कम है। मतलब फिजिक्स में मुझे 108 ही आ पाया, ज़्यादा स्कोर नहीं हो पाया फिजिक्स में। लास्ट लास्ट में मुझे अच्छा उतना टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाया था, और केमिस्ट्री में भी अच्छा मतलब उतना भी ज़्यादा भी नहीं है, उतना कम भी नहीं है, 138 आया। ओके। सो एक एडवाइस आपसे फिर से एक लेना चाहूँगा कि फिजिक्स का स्टडी कैसे करेंगे? स्टूडेंट बहुत ज़्यादा है जो उनको सिर्फ लगता है कि बायोलॉजी बायोलॉजी, और फिजिक्स के तरफ केमिस्ट्री भी थोड़ा सा मिलता जुलता है, रिएक्शंस वगैरह, लेकिन फिजिक्स की स्टडी कैसे करेंगे? फिजिक्स की स्टडी के लिए तो मैं बस एक ही चेक कहना चाहूँगा कि फिजिक्स अगर आपको पढ़ना है तो प्रैक्टिस आपको ज़्यादा करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस मेन मैन मेक्स मैन परफेक्ट जो है वो मतलब पूरा पूरा अप्लाई हो जाएगा फिजिक्स के लिए आपके लिए। आप जितना ज़्यादा अच्छा जितने मतलब एक कोई अगर कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट के ऊपर कुछ वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, 15-20 वैरायटी, या तो फिर अगर अच्छा कोई कॉन्सेप्ट है तो उसके ऊपर ज़्यादा वैरायटी मिल जाएगी। आप एक बार सारी वैरायटीज को टच कर लीजिए, अगर एक बार आपने पूरी वैरायटी देख ली तो उस कॉन्सेप्ट के ऊपर उस वैरायटी के बाहर क्वेश्चन आता ही नहीं है। अगर कोई होगा भी तो क्वेश्चन वो IIT और JEE में आएगा, नीट में नहीं आएगा कभी, ये सब चीज़ें होती हैं। तो फिजिक्स अगर करनी है तो ज़्यादा वैरायटी के क्वेश्चन कीजिए, एक ही वैरायटी के क्वेश्चन को बार बार लगाने से अच्छा है वैरायटी ज़्यादा वैरायटी के क्वेश्चन कीजिए, ऐसा कहूँगा मैं। और पूरी वैरायटी एक बार कवर होने के बाद चैप्टर्स को बार बार रिवीजन देते रहिए, क्योंकि फिजिक्स हमें हम कैसा करते हैं, एक बार चैप्टर कोई अच्छे से प्रिपेयर हो गया तो उसको फिर देखते नहीं है महीना 2 महीना कि यार अपना तो चैप्टर अच्छा हो गया बहुत। तो उसके हर हफ्ते में ज़्यादा नहीं, बस 4-5 क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करते रहिए, कोई भी उठा के रेंडमली। उससे क्या होता है चैप्टर टच में रहता है, ऐसा ना हो कि हाँ आज जो चैप्टर चल रहा है वो भी एकदम अच्छा है, अभी परफेक्टली बना लिया
एक महीने बाद पूछने जाओ तो यार उसका फॉर्मूला भी याद नहीं आ रहा। अच्छा हाँ बस ओके। सो फिज़िक्स के लिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है आपका, मतलब भूलेंगे नहीं, इसीलिए प्रैक्टिस चाहिए ही चाहिए। और मल्टीपल वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आप ट्राई कर लीजिए। मैं एक और आपसे हमारे ऑडियंस को बताना चाहता हूँ कि कौन से बेस्ट ऐसे बुक्स है क्या जो DPP यानी कि डेली प्रॉब्लम जो भी प्रैक्टिस आप करते हैं, या फिर कुछ MCQs के हो, या फिर पर्टिकुलर रेफरेंस बुक। रेफरेंस तो वैसे ज़रूरी नहीं नीट के लिए, लेकिन आप कौन से बुक्स हैं जो NCERT के अलावा आप बोल सकते हैं कि ये पर्टिकुलरली यूज़ करो। वैसे तो मैंने जब मैं फर्स्ट अटेम्प्ट कर रहा था, फर्स्ट अटेम्प्ट में मुझे मैंने अरिहंत की बुक्स यूज़ की थी और डीसी पांडे यूज़ किया था फिजिक्स के लिए। वो मतलब पूरा सॉल्व, मतलब काफ़ी हद तक सॉल्व कर लिया था मैंने। वो चीज़ें की थी इलेवेंथ में। पर ट्वेल्थ में जब इलेवन ट्वेल्थ में, पर रिपीट में मैंने वो बुक्स यूज़ नहीं की थी, क्योंकि उस बुक्स में थोड़ा सा मतलब ऐसा लगा कि यार चीज़ें एक्स्ट्रा बहुत सारी दे रखी है जो नीड में नहीं आ रही है, इसलिए मैंने रेफरेंस बुक छोड़ दी। फिर मैंने एलन का मटेरियल ले लिया था, एलन के मटेरियल सॉल्व किए थे, और उसके साथ साथ हमारे क्लास में जो दक्षिणा ने मॉड्यूल्स दिए थे, दक्षिणा के, हाँ उनको दक्षिणा के मॉड्यूल्स भी मैंने सॉल्व किए थे। तो और एक इस पर्टिकुलर ओरल से या फिर हम टेस्ट से बताना चाहेंगे, आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपने ऐसे कितने क्वेश्चंस पेपर सॉल्व किए हैं पर्टिकुलरली 720 मार्क्स के, मतलब फुल्ली कितने ये सॉल्व किए आपके टाइम टू टाइम? फुल सिलेबस के हाँ, फुल सिलेबस के आपने कितने सॉल्व ऐसे जो भी है डेली या फिर कंप्लीट कितना हो गया होगा आपका? हमारी, मतलब जब सिलेबस कवर हो गया था हमारा, तो टेस्ट सीरीज शुरू हो गई थी। तो टेस्ट सीरीज हाँ हमारी काफ़ी मतलब लंबी चली थी, 1-2 महीने टेस्ट सीरीज ही चली थी बस। हाँ हाँ और हफ्ते में दो तीन पेपर हो रहे थे, दो ही हो रहे थे बड़े, ले लो दो दो पेपर। हाँ हाँ तो उस वजह तो से टोटल फुल कितना सिलेबस के होगा? काफ़ी सारे पेपर हो गए थे, नियरली 25 to 30 पेपर तो हमारे हो ही हो गए। यस और ओके। सो एक और चीज़, यस एक और चीज़ यहाँ पे है ऐड हो गई है कि आपको बहुत ज़्यादा टेस्ट सीरीज देनी पड़ेंगी, मतलब एग्ज़ाम से पहले ही आपके एग्ज़ाम्स कई बार होनी चाहिए, आपको लगना ही नहीं चाहिए, राइट? ये मैं सही कह रहा हूँ? सर, जितना ज़्यादा आप यस मतलब फुल एग्जैक्टली सिलेबस जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, उसका बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है लास्ट में, फुल सिलेबस में तो। यस यस वेरी राइट। बस सो और एक बात, कुछ कन्फ्यूज़न थे स्टूडेंट के माइंड में, जैसे कि उनको लग रहा है कि 2-3 साल बाद भी हमारा नहीं हो रहा है, गैप लेने के बाद भी, तो वो ऐसा कुछ मन में खंत व्यक्त कर रहे हैं कि यार हमने कुछ प्रोफेशनल स्टडी साथ में की होती तो ये क्या पॉसिबल है क्या, अगर कुछ प्रोफेशनल कोर्स कर रहे साइड बाय साइड नीट का प्रिपरेशन कर रहे, या फिर मान के चलिए BSc वगैरह कर रहे, या फिर कुछ पर्टिकुलर बायोलॉजी या फिर केमिस्ट्री में कर रहे, तो क्या पॉसिबल है क्या? नो सर, मैं तो नहीं कहूँगा कि आप नीट के प्रिपरेशन के साथ साथ कुछ और मतलब और भी कुछ पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि नीट का खुद का ही अपने में सिलेबस इतना ज़्यादा है कि आप अगर उसको ही टाइम नहीं दे रहे तो फिर तो मतलब मुझे नहीं लगता कि आपको कुछ, अगर हो भी गया तो उतना अच्छा स्कोर नहीं आ पाएगा, क्योंकि आपके यस दिमाग में नीट की चीज़ें भी चल रही है, उसके साथ साथ साइड में जो और चीज़ें प्रिपेयर कर रहे हो उसकी भी चीज़ें चल रही है। तो यस आई डोंट थिंक कि एग्जैक्टली और कुछ प्रिपेयर करना चाहिए। अगर आपको मतलब यस पहले यस आप डिसाइड कीजिए कि आपके करना क्या है, नीट करना है या जो जो चीज़ आप साथ में कर रहे हो वो करना है। ऐसा किसी एक ही चीज़ को पकड़िए और उसी के ऊपर पूरा फोकस कीजिए, तो मुझे लगता है कि सक्सीड हो पाएगा। यस एग्जैक्टली। नीट पर अगर फोकस करना है तो किसी चीज़ में आपका ध्यान बटना ही नहीं चाहिए, क्योंकि कंसंट्रेशन अगर आप डिवाइड करते हैं तो आपका सिलेक्शन या फिर अच्छा स्कोर लाना आपका इम्पॉसिबल हो जाएगा। सो लास्ट में एक और चीज़ बोलूँगा कि आपने 11th एंड 12th कहाँ से किया था, ज़रा थोड़ा सा शॉर्ट में बताइए। 11-12 मैंने नांदेड़ में कोचिंग्स लगाई थी, मैं यशवंत विद्यालय नांदेड़ जो ओके कॉलेज है वहाँ पे मैंने एडमिशन लिया था। वहाँ की मतलब वहाँ के एग्ज़ाम एग्ज़ाम देता रहता था, जब भी हमारे यूनिट टेस्ट में टेस्ट होते रहते थे, और बाकी पूरा टाइम मैं क्लासेस करता ओके रहता था, कोचिंग लगा रखी थी मैंने। यस एंड below 10th आप कहाँ कहाँ हुआ था? मेरा 6th to 10th JNV में हुआ था, जवाहर नवोदय विद्यालय लातूर में। ओके जवाहर नवोदय लातूर में हुआ। लास्टली मैं बोलना चाहूँगा कि विच मैसेज वुड यू लाइक टू शेयर विथ यू ऑल एस्पिरेंट्स ऑफ नीट 11th 12th के बाद जो प्रिपरेशन कर रहे उनके लिए आपका लास्ट मैसेज क्या होगा? लास्ट में बस यही कहना चाहता हूँ कि मतलब चीज़ें जो है उनको उतना भी ज़्यादा हार्ड मत ले लीजिए, कि क्यों नीट को ऐसा मतलब स्ट्रेस के की तरह से मत देखिए कि यार नीट का पढ़ाई करनी है, इस बात का स्ट्रेस मत लीजिए यार। अभी तो हमें 1 साल और पढ़ना है, अभी 1 साल और हमें कुछ हम मतलब मेहनत मज़े नहीं कर सकते, दोस्तों के साथ नहीं घूम सकते। नीट को मतलब स्ट्रेस बोल के मत लीजिए, नीट को मतलब थोड़ा मज़े के भी उसे देखिए कि यार उसमें भी थोड़ा मज़ा है, कि क्वेश्चन जब कॉन्सेप्ट जब फिजिक्स से समझ में आते हैं तो मतलब अलग ही मज़ा मिलता है।
हमें जब कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आते थे, हम सर के पास जाते थे, सर फिर समझाते, तो उसका भी थोड़ा अलग ही आनंद आता है कि यार कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। और थोड़ा मतलब जो अपने फ्रेंड्स हैं उनको भी कॉन्सेप्ट आप समझाते जाइए, उससे आपके खुद के कॉन्सेप्ट और ज़्यादा बिल्ड होते जाएंगे। क्योंकि मैंने वहाँ पे मतलब ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस किया था कि मुझसे जो भी थोड़े, तो यही मतलब ये भी मैंने काफ़ी प्रैक्टिस किया था कि मैं मुझसे जो वीक स्टूडेंट हुआ करते थे उनको मैं काफ़ी डाउट सॉल्व करता रहता था उनके, मतलब वो लोग आके मुझसे डाउट पूछा करते थे कि यार ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है ये बताओ, ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है ये वाला बताओ, तो वो मैं बताता रहता था सबको। इससे क्या होता है कि अपना अपना खुद का कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाता है। मुझे तो ऐसा ही लगता है कि यार फिजिक्स हो, बायोलॉजी हो, केमिस्ट्री हो, कोई भी कॉन्सेप्ट हो, अगर आप किसी दूसरे को समझाने में अगर सफल हो गए, आपने आपने अगर किसी वीक बच्चे को वो कॉन्सेप्ट समझा दिया, तभी वो उस कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ चुका है। क्योंकि आप अगर खुद समझ रहे हो अच्छी बात है, पर अगर दूसरों को समझा भी पा रहे हो तो मतलब बहुत ही बढ़िया, फिर तो आप उस कॉन्सेप्ट को मतलब कभी भी सॉल्व कर लोगे, कभी भी उसके ऊपर का कोई भी क्वेश्चन तुम सॉल्व कर लोगे। बस यही कहना चाहूँगा कि दोस्तों को समझाते रहिए, दूसरे दोस्तों को भी जो कुछ आपको समझ में आ रहा है इससे ज़्यादा, और मतलब उस टॉपिक के बारे में जो डर होता है वो निकल जाएगा पूरी तरह से। और बस यही, अच्छे से पढ़ते रहिए, ज़्यादा ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिए कि नीट हो या तो क्या होगा क्या नहीं, सब कुछ अच्छा ही होगा। एक बार सिलेक्शन हो जाएगा फिर तो मतलब अलग ही ज़िंदगी होती है, बहुत नज़रिया बदल जाता है समाज का भी, तुम्हारी और तुम्हारी और काफ़ी बाद में मज़े आने वाले। एक बार बस नीट निकाल दी। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल द प्रिपेयर एस्पिरेंट्स ऑफ द नीट जिनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, जो या फिर जो अभी 11th 12th में प्रिपरेशन कर रहे हैं। बेस्ट ऑफ लक। सो लास्ट में मैं सम अप करना चाहूँगा इस मैसेज को दत्तात्रेय ने जो दिया है हमें से, कि आपको ड्रेस नहीं लेना है बिल्कुल भी, लर्निंग में आपको एकदम आनंद आना चाहिए, जॉयफुल लर्निंग होनी चाहिए। और एक बात ऐड की है उन्होंने कि आपको कंसेप्ट समझता है, कब समझता है, जब आप दूसरे को सिखाते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, अगर आप 12th के बच्चों को पढ़ा रहे हैं या फिर किसी को पढ़ा रहे हैं तो समझ लीजिए कि आपका 100% प्रिपरेशन हो गया, उस कॉन्सेप्ट पर आपका कमांड बन गया है। सो यही लास्ट मैसेज दत्तात्रेय से। सो दत्तात्रेय थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूबल टाइम। सो गाइज लास्ट में यही बोलना चाहूँगा कि आप अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इतना बड़ा जो भी एक्सपीरियंस दिया है, एक्सपीरियंस लिया है आपने इस पर्टिकुलर स्टूडेंट से जो भी क्वालिफाइड हुआ है फॉर दिस ईयर, तो इतनी बड़ी इंस्पिरेशन ले लीजिए, इतना बड़ा ज्ञान ले लीजिए और अच्छे से प्रिपरेशन कर लीजिए। सो दत्तात्रेय अगेन वंस अगेन बोलना चाहूँगा थैंक यू सो मच, इतना बड़ा आपने हमारे लिए वैल्यूबल टाइम दिया है और बहुत सारा हमारे स्टूडेंट के लिए शेयर किया है। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, ऑल्सो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।